हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से खुशामदीद है रयान टाइम्स पे। और इस वक्त मैं हूँ किंग अब्दुल अजीज मस्जिद, यहाँ बाब मक्का में जो किंग अब्दुल अजीज मस्जिद है मैं वहाँ पे हूँ। और आज जो है मैं कवर करने वाला हूँ जद्दा रीडेवलपमेंट विज़न 2030 के तहत जो काम चल रहा है उसको मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें जद्दा रीडेवलपमेंट विज़न 2030। सारे एरिया को मैं कवर कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ से जो है रास्ता मैं जिस अभी मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा रास्ता अम्मारिया के लिए हुआ करता था पहले, अम्मारिया जाने के लिए सीधा। बट अब समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारा मतलब टूट चुका है रीडेवलपमेंट के तहत, इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को। सीधा रास्ता चला गया अम्मारिया। देख सकते हैं वहाँ फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, तो सारे से तीन वाला फ्लाईओवर है। गाड़ी भी गुजर रही है कुछ। तो ये वही जगह है जहाँ से पहले अम्मारिया जाने के लिए रास्ता हुआ करता था, और ये रास्ता सीधा चला गया है वो हवा का बिस्तान जो है वहाँ पे, सीधा चांद तारा का वहाँ पे एक मार्का बना हुआ है रोड पे। बिल्कुल स्ट्रेट जाइएगा तो वहाँ पे पहुँच जाइएगा, और वहाँ से राइट टर्न लेकर जवाजात पुराना जो ऑफिस जवाजात की ऑफिस है वहाँ आप जा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें रयान टाइम्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मैं इधर से कवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को लोकेशन, क्योंकि जद्दा रीडेवलपमेंट विज़न 2030 के तहत काम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं बेकरी है ये, इसको देख करके कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारे इस व्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कैसे जद्दा रीडेवलपमेंट का काम चालू है। यहाँ से मैं टर्न लेके जा रहा हूँ गुजरात मार्केट, ये गुजरात वाली मार्केट है, देख सकते हैं आप लोग। अभी चूंकि दोपहर का टाइम है इसलिए सन्नाटा और रमज़ान का महीना भी है, तो इसलिए थोड़ा सुनसान दिख रहा है। बाकी ये मार्केट जो है गुजरात वाली मार्केट है, ग्लास मार्केट, दोनों तरफ दोनों साइड में यहाँ पर ग्लास का काम होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ किंग अब्दुल अजीज मस्जिद के फ्रंट तरफ। ये देख सकते हैं किंग अब्दुल अजीज मस्जिद का मेन डोर है, मेन गेट है, और हमारे राइट हैंड साइड में जो भी है वो सब असल की दुकानें हैं। और वो दूर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा बुकसान है और बाब मक्का वक्फ पार्किंग, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ पहले सैफा जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। सैफा मतलब कि हरमैन मस्जिद जो है उस तरफ जाने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पे काफ़ी घनी आबादी थी, यहीं से वो रास्ता था जो कि अब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जद्दा रीडेवलपमेंट का वर्क जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, सब लोग देख सकते हैं। और मैं धीरे धीरे मक्का महत्ता की तरफ जा रहा हूँ, वो देख सकते हैं वो जो है मरकज़ 16 है, मरकज़ 16 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, मरकज़ 16 है।
जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बाब मक्का मौगफ के पास, बाब मक्का पार्किंग के पास। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जो मुस्तफ़ा अल्फैन की तरफ जाया करता था, देख रहे हैं आप लोग। और ये इस तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, जो कि अब नहीं दिख रहा है वीडियो में। और वो आप देख रहे हैं मस्जिद का मीनार। मस्जिद जो है ये किंग अब्दुल अजीज मस्जिद है, जो कि यहाँ से नहीं दिखता था आमतौर पर, क्योंकि इमारतें ऊँची ऊँची हुआ करती थी। तो जद्दा रीडेवलपमेंट का वर्क जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है विज़न 2030 के तहत। आने वाले दिनों में बिल्कुल बदला हुआ मंज़र होगा इस एरिया का, वो देखने वाली बात होगी। देखिए यहाँ से एक गाड़ी टर्न ले रही है, क्योंकि मौगफ की तरफ गई। रास्ता सीधा स्टेट में अगर जाता था पहले, तो वो स्टेट वाली रास्ता अल्फैन की तरफ जाया करता था, जो कि आमतौर पर आप अब नहीं दिख रहा है वीडियो में, क्योंकि तौसी का काम चल रहा है इसलिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बाब मक्का जो बाब है गेट, उस तरफ लेकर जाता हूँ। वो देख रहे हैं बाब मक्का का बाब भी दिख रहा होगा आपको गेट वीडियो में क्लियर रूप से। या दोस्तों, इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ मौगफ के एंट्रेंस, जो दाखिल जो होते हैं मौगफ पार्किंग में, ये वो मेन एंट्रेंस है इसका, मेन गेट।